Now in this video, we are going to add slicers and edit them. Basically, these are the visual filters which we have already done in our pivot tables and slicers section. We will connect this with the getPivotData function, and we'll try to analyze our data in a more helpful and a useful way. So this was a pivot table and this was a calculation sheet. Now just simply click on the pivot table anywhere, go to the insert section, and यहाँ पे एक slicer का option है, हम slicer पे click करेंगे. So all the subheadings, जितने भी सारे columns के heading है, variables है, वो सारे यहाँ पे आ गए. इसमें से अब आप select कर सकते हो कि आपको कौन से कितने slicers को आपको use करने हैं. Let's say suppose हम लोग month ले लेते हैं, client type, volume, and if you remember in our very first slide हमने लिखा था कि an FMCG company is interested in generally the client type, volume sold, and the pack and the size. So these are generally the or I can remove the volume if I want to, and let's say suppose I can add brand. Yeah, so that will be better. Generally a FMCG company is more interested in month, brand, कौन से ब्रांड से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, साइज कौन सा सबसे सूटेबल है, पैकेजिंग कैसे, पैकेजिंग 2x, 3x, 4x वैसे करके, क्लाइंट कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा क्लाइंट टाइप सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. सो ऑल दीज फैक्टर्स. सो आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड मेरा सारा स्लाइसर्स आ गया. टू लेट्स मूव दी स्लाइसर्स ऑन आर कैलकुलेशन शीट. वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक ऑन द स्लाइसर. एक स्लाइसर पे क्लिक करोगे, शिफ्ट प्रेस करके बाकी सारे स्लाइसर्स पे क्लिक करने हैं. शिफ्ट आई रिपीट, शिफ्ट प्रेस करके कीप होल्डिंग द शिफ्ट की एंड प्रेस ऑल दीज, सिलेक्ट ऑल दीज स्लाइसर्स. आप शिफ्ट भी क्लिक कर सकते हो, आप फिर कंट्रोल भी क्लिक कर सकते हो, एंड आपको ये सारा स्लाइसर्स फिर सिलेक्ट करना है. नाउ क्लिक कंट्रोल जेड, यानी कि कट करना है स्लाइसर्स. कंट्रोल जेड, सारे स्लाइसर्स कट हो गए. And we'll go to our add calculation, जो हमने किया था calculation sheet, report sheet बनाया था. यहाँ पर control V करके हम अपने slicers को सीधा paste कर देंगे. Now I'll just simply drag all these slicers and get a better view out of it. कैसे हम इसको better presentation दे सकते हैं अपने slicers को. So it will depend कि generally what we do is we keep it on it in one page only, so that you know it's very helpful for us, ताकि हमें scroll नहीं करना पड़े बार बार अपने slicers को. तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक ही page में रखते हैं. तो अब इसको resize करना पड़ेगा. resize करने के लिए there are many options, I'll show you. सबसे पहले month का मैं दिखाती हूँ. so this is the month section. suppose मुझे यहाँ पे 1 से लेके 12 months है, and मुझे सारे months एक ही slicer में दिखना है, मुझे scroller नहीं चाहिए. I don't want to use this scroller and मुझे सब एक ही में चाहिए, and I want all the slices to fit in this particular page only. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, I'll right click on the slicer, size and property का एक option है, उस पर क्लिक करना है, and यहाँ पे size and property के option में properties में जाना है, और you can go to position and layout. position and layout में there is number of columns given. So I'll just increase the number of columns. columns is basically यहाँ पे एक ही column दिख रहे हैं, हम तीन column बना लेते हैं. 12 months है तो हम तीन column बनाते हैं, एक एक में चार का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे करके बना सकते हैं, या फिर depending on you आपको कैसे इसको present करना है. so let's increase it to 4. तो अभी ठीक है ये, थोड़ा सा size if you want you can increase. now how to increase the size, you can just increase the button width. देखो बटन विथ इंक्रीज करोगे तो अपने आप ये इंक्रीज़ हो जाएगा. तो बस मैंने ये किया एंड ये वाला स्लाइसर कंप्लीट है. खाली इसको हम रीसाइज कर देंगे, एंड अभी मेरे पास मंथ के सारे 1 से लेके 12 एक ही पूरे स्लाइसर में है. मुझे इसके लिए स्क्रोलर की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली आई विल डू इट फॉर अदर स्लाइसर्स एज वेल. तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है.
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर रूल ही फॉलो करना है या जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है. मुझे जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसे, मुझे जैसा प्रेजेंटेबल लग रहा है वो वैसे वैसे मैं कर रही हूँ. इट्स अप टू कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा. सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए. जस्ट इंक्रीजिंग द विथ एंड सो यू नो या यहाँ पे ठीक है स्क्रोलर चलेगा हमारे लिए. ब्रांड है सो यू कैन जस्ट स्क्रोल एंड सी कितने सारे आपके ब्रांड्स हैं. नाउ अगेन डिपेंड्स ऑन यू आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं. बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है ये. तो ये हमने किया. नाउ आई कैन फिट माई पैक ओवर हेयर. आई जस्ट शो यू इन दिस वीडियो. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट कैरी ऑन विथ योर स्लाइसर्स एंड आपको मेरे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको एग्जैक्टली फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है. एंड वन थिंग आई शो यू कि मुझे ये डायलॉग बॉक्स वापस ओपन नहीं करना पड़ेगा. एज यू ऑल कैन सी मैंने इस पर जब क्लिक किया तो अपने आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 हो गए. अगेन मैं जब ब्रांड पे क्लिक करूँगी तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3. यानी कि ये जो पोजिशन एंड लेआउट, ये जो साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ वाला डायलॉग बॉक्स है, जिस भी स्लाइसर पे आप क्लिक करोगे ये उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा. तो आपको बार बार राइट क्लिक करके साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ खोलने का ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट स्लाइसर पे क्लिक कर सकते हो एंड ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. सो आई विल जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ पे आई विल मेक इट 3. हाँ 3 से हो जाएगा. आई विल जस्ट या सो दिस इज़ परफेक्ट. क्लाइंट को लगा देते हैं. अब हम आपके ऊपर एकदम डिपेंड करते हैं. ये चीज़ मैं वापस से बोल रही हूँ, एकदम ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू ऑल हैव टू फॉलो व्हाट आई एम डूइंग. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू कैन डू इट द वे यू वॉन्ट योर स्लाइसर्स टू लुक लाइक. नो हार्ड एंड फास्ट रूल. एंड देन वी हैव द क्लाइंट टाइप. इसको हम कर देते हैं 2 बिकॉज देर आर ओनली 4 क्लाइंट टाइप्स. यस इसको थोड़ा सा रीसाइज करेंगे. आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको जैसे अपने डेटा को प्रेजेंटेबल दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हो. अगेन जितना प्रेजेंटेबल रहेगा उतना ज़्यादा स्लाइसर्स अच्छा दिखेगा. दैट इज़ ओनली द मोटिव बिहाइंड इम्प्रूविंग योर स्लाइसर्स. सो दिस इज डन नाउ. यस ओके. तो एकदम आप पे डिपेंड करते हैं आप कैसे इसको एडजस्ट करते हो, कैसे आप इसको बनाते हो. एकदम सब्जेक्टिव चीज़ है. इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम स्लाइसर्स को एडिट कर सकते हैं एंड उसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं.